ये देख रहे हो पाऊजी भी आ गए, मामा भी पहुंच गया। वेलकम वेलकम, हैप्पी बर्थडे टू यू। दिन की शुरुआत बाबा जी के साथ, तो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है नए व्लॉग के साथ, और आज है 18 जुलाई, डैडी जी का बर्थडे और आगम का बर्थडे, दोनों को हमारी तरफ से हैप्पी हैप्पी बर्थडे। और आज डैडी का बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे किसी मस्त से होटल में, रात को वहां पे खाएंगे डिनर। ज्यादा लोग नहीं होंगे, मैं प्रीति बच्चे होंगे और आगम और सोनू वरी खाएंगे कैनेडा में, उनके वहां पे बर्थडे वैसे कल आएगा बट इंडिया के हिसाब से ही मनाएंगे हम, तो आज ही है। और वो जा रहे हैं वहां के किसी हिल स्टेशन में घूमने के लिए, रात को बात हुई थी। और अभी मैं और प्रीति जा रहे हैं डैडी जी के लिए, बच्चे कुछ अपने पैसों से स्पेशल गिफ्ट लेके आए हैं, चंदन के साथ गए थे तो वो गिफ्ट लेके आए हैं, वो कह रहे हैं हम गिफ्ट पैक करेंगे, तो उनके लिए रैपर दिलाना है, प्रीति को थोड़ा सा सामान दिलाना है, और चल भाई हेलो तो दिलाना है, वो दिला के फिर मैं इनको घर पे छोड़ के निकल जाऊंगा। मैंने जाना गुरुद्वारे, गुरुद्वारे मत्था भी टेकना है और अरदास भी करानी है, और उसके बाद क्या प्लान बनता है वो देखते हैं। आज बहुत दिन के बाद अपनी थार चलेगी, मतलब चलेगी, मैं चलाऊंगा बहुत दिन के बाद। तो पहले सुबह सुबह हम जा रहे हैं 23 सेक्टर, नहीं बैंक जा रहे हैं, इनका सामान तो लिया ही नहीं, बैंक जा रहे हैं, पेपर वहाँ पड़े हैं। एक्चुअली जाना था मुझे सोनू के बैंक, कुछ पेमेंट्स करनी है, गाड़ियाँ ली हैं तो वो भूल ही गए थे। थैंक यू, अब उतर के जल्दी से चेक लेके आ, मैं कहाँ से लेकर आऊँ, मेरे टेबल पर बड़ी मुश्किल से चढ़ती हूँ, मैं नहीं जा रही, जल्दी जाना पड़ेगा यार, प्लीज इसको बोलो सॉरी, नहीं नहीं खुद जाओ, कहाँ पड़े। तो प्रीति को उतार दिया, अभी जल्दी लेने जा रही है। एक्चुअली क्या हुआ कि सोनू ने कुछ गाड़ियाँ ली थी, उसका फोन आया था मोनू, बैंक से फटाफट आरटीजीएस कर दियो, आज गाड़ियों की डिलीवरी भी है, बट डिलीवरी वो डायरेक्ट करवा देगा, मैं लेने नहीं जाऊंगा, तो जाना बैंक था और चेक ही घर पे भूल गए थे। अच्छा वो प्रीति ने 2-3 घर टापे थे तो याद दिला दिया। चेक और फॉर्म चलो। तो आप लोगों के कईयों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सोच में कि चेक यहाँ पड़े हैं तो सोनू के साइन कैसे हो रहे हैं, भाई मैं साइनिंग अथॉरिटी हूँ, टेंशन मत। और एक चीज और बताता हूँ आपको कि शिवम का ना रोज फोन आ जाता है कि अंकल चले गाड़ी में, ये एक्सेसरी लगवाएं, ये एक्सेसरी लगवाएं, वो बेचारा इसके लाइट्स भी लेके आया है, हमर लाइट्स लाया हुआ है और हैंडल लाया हुआ है, सब गाड़ी में पड़ी हुई है चीजें, और मेरा ना लगवाने का बड़ा मन आलस कर रहा है, मैं जा ही नहीं पा रहा। अगम भी पूछ रहा है, कल अगम भी पूछ रहा है, चाचू एक्सेसरी नहीं लगवाई, मैं कहा यार आलस आ जाता है, तू आ जा तभी लगवाएंगे, तू आ जाएगा फिर इकट्ठे चलेंगे। तो 1 महीने की बात हो रहा है, अगर आ जाएगा तो हो सकता है उसके साथ ही लगाएं, अगर बीच में कहीं मूड बन गया तो हम चले जाएंगे। मतलब इसके अंदर के एक हैंडल्स आए हुए हैं, ऊपर की लाइट्स आई हुई है, अलॉय भी हमारे आए हुए हैं, मतलब जाना ही नहीं हो रहा किस चीज के लिए, जल्दी करेंगे कुछ ना कुछ, सोचते हैं ये चीज। हम करवा रहे हैं पहले गाड़ी की पेट पूजा और फिर कोई काम दूजा। बैंक में काम कर लिया और प्रीति ना फोन कर रही है गाड़ी में बैठ बैठ के कि मैं आया क्यों नहीं, क्यों फोन कर रही है, मेरा नाम क्यों नहीं लिया। तो भाई अब जाना है हमने 23 सेक्टर, 23 सेक्टर ही जाना है कहीं और जाना है, देखते हैं, वहीं से ले लो सामान, या तो कापसड़ा बॉर्डर जा सकते हो। और भाई मुझे दिल्ली जाना है, कापसड़ा बॉर्डर, यहाँ से सामान ले और चल घर पे उतर, मेरे को निकलना है, फिर मैं बाहर से ले लेती हूँ अपनी मेन दुकान से, चल ठीक है। उतर के जा रही है फटाफट, अच्छा ऐसा भी है, तो ये सामान लेके आ रही है, ले लिया सामान सब। अच्छा तो नींद क्यों आ रही है फिर तुझे, रात को सोई नहीं है, मौसम ऐसा हो रहा है भाई, मुझे तो नहीं आ रही, मौसम ऐसा हो रहा है तो नहीं भाई, जल्दी उतर मुझे जाना है, खाना नहीं है, अच्छे से ही ये अच्छे से नहीं है। ओ भाई दरवाजा मार गई मुंह पे, गुस्से पे थी आज। शाम को डैडी से बात करके बता दूंगा कि आना है तुमने या क्या करना है, ओके। अपनी दिल्ली का जो मौसम है ना, मस्त रंगीन हो चुका है दोबारा से, और मस्त बारिश शुरू हो गई है चाणक्यापुरी साइड में, और क्या मौसम लग रही है। ये जो हमारी दिल्ली का जो सबसे प्राइम एरिया है ना, ये है, मतलब हरियाली देखो, पेड़ पौधे देखो, मस्त मस्त बारिश, वाह क्या बात है। और हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारे, पहले बाबा जी की लेंगे ब्लेसिंग्स,
मत्था टेकेंगे और उसके बाद फिर अगला प्रोग्राम बनाएंगे कि क्या बनता है। तेज बारिश हो रही है और अब अपन चल रहे हैं मत्था टेकने। देखो नीचे यहाँ पता लगेगा और सामने लगा है बाढ़ प्रभावितों के लिए घर की सेवा के लिए अपनी रसद सामग्री यहाँ दे। पहुंच चुके हैं सीपी खाना खाने के लिए, वो भी कहाँ पे, काके पे। भाई बड़े दिन से तबीयत ख़राब थी तो कुछ अच्छा सा नहीं खाया था। मैंने कहा आज दोपहर को डैडी के बर्थडे पे यहाँ खाते हैं, रात को बच्चों के साथ देखेंगे कहाँ खाएंगे। मस्त रोटी खा ली काके पे, कह रहे हैं ना स्वाद आ गया मटन का। अब चले वापस, बच्चों से बात करते हैं, प्रीति से बात करते हैं कि क्या प्लान बन रहा है आने का। शाम के टाइम भी मेरे ख्याल से 4:30 हो चुके हैं, तो जैसे भी प्लान बनता है अकॉर्डिंगली डैडी से बात करते हैं, उस तरीके से मैनेज करते हैं और रात को मस्त सेलिब्रेशन करते हैं डैडी के बर्थडे। बस एक मीटिंग पे आया था खान मार्केट, स्टारबक्स पे बैठा था, यहाँ पे एक कॉफ़ी का मतलब कहते हैं ना शॉट पी के अब जा रहा हूँ घर की तरफ, क्योंकि डैडी ने इमीडिएटली पार्टी अरेंज कर दी है। तो और पार्टी करिए दिल्ली में वाइल्ड में। अब जाऊँगा घर से, प्रीति को लूँगा, अंकित को लूँगा, मम्मी को लूँगा, प्रिया को लूँगा, और सबको ले कर घर से सीधा यहाँ आऊँगा और रात को खाना खाएँगे, मस्त केक काटेंगे और वापस घर चले जाएंगे। अभी का सिर्फ यही प्लान है। और बारिश हो रही है, जाम इतना ज़्यादा हो चुका है ना, टाइम बच चुके हैं 5:15, पता नहीं कब घर पहुँचूंगा और कब वापस आऊँगा। खान मार्केट को भी बाय बाय करने का टाइम आ गया है और हम निकल चुके हैं गाड़ी लेके यहाँ से और फटाफट जा रहे हैं वापस घर की तरफ। भाई ये देखो ये है सिस्टम, खूब रश है खान मार्केट में और गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं है यहाँ पे। और जैसे ही हमारी जगह खाली हुई ना, फटाफट सबने गाड़ी लगा ली। हम आ चुके हैं घर पे और पाठ चल रहा है। और मैडम जी तैयार हो, तुम तैयार है? इसने कुछ नहीं खाया, इसका दांत हिल रहा है और ऐसे लग रहा है निकल जाएगा, लेकिन ये देखो ये क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, ये दांत तेरा निकल रहा है। राइस कुछ इसके अंदर नहीं जा रहा कि मम्मा मेरे दांत में फंस जाएगा, मेरा दांत टूट जाएगा। अब तेरे अंदर सब कुछ जा रहा है, तब इसके दांत ठीक है। ये सिर्फ एक्टिंग करता है स्कूल ना जाने की। अब कितनी देर है तैयार होने में? चलो कहा है हमारा जेठालाल, हेलो जेठालाल, हेलो जेठालाल, हेलो जेठालाल। हम सब रेडी हो चुके हैं, कीरत जी भी रेडी, मैं भी रेडी, दोबारा से दाढ़ी सेट कर ली है। ओ भाई सेंट लग रहे हैं, सेंट नहीं है डीओ होता है। और हम लोग दाढ़ी बांध के रेडी है, मस्त चिपक। चलो भाई चलो चले, बस प्रिया और मम्मी की वेट हो रही है, वो लोग आ रहे हैं। अंकित कहीं काम गया हुआ है, वो शायद डायरेक्ट आएगा और शायद नहीं आएगा, कुछ पता नहीं है। तो हम लोग फटाफट पहुंचने वाले हैं। चलो भाई चलो जल्दी बैठो, तू पीछे बैठेगी आगे? कीरत तो आगे सेंटर में बैठ अपनी जगह पे भाई, क्योंकि बहुत सारे जने हैं, देखो सेंटर में बैठना पड़ेगा। मम्मी अगर यहाँ पे खड़ी हो जाएगी ये वाली ईंट पे, ईंट कह रहा हूँ ये वाली दीवार पे, तो गाड़ी चिपका दूंगा आराम से पीछे बैठ जाएंगे। बैठ सकेंगी तो ठीक है, नहीं तो आगे बैठ जाएंगे। ओके भाई हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और कहते हैं ना सडनली डैडी ने इतनी बढ़िया पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी सबके लिए, और जस्ट डैडी का कॉल आया कि ऐसे ऐसे फटाफट कर दे और सबको इमीडिएटली बोला, और डैडी का नाम सुनते ही सब फटाफट पहुंच रहे हैं। वन टू ऑल, नोएडा से पाली वो भी आ रही है, मिन्नी भी आ रही है, ताया जी से भी बात हो गई है, मतलब सब आ रहे हैं, बड़ा मजा आने वाला है। सोनू भैया भाभी और सोनू और अगम मरी नहीं है, उनको मैंने बोला तुम वहाँ मतलब एंजॉय करो, और अगम की जगह ये छोटा अगम बन गया, ये केक काटेगा। हाँ भाई अगर जब देख रहे हो आपकी तरह आपका बर्थडे मैं बनाऊंगा। तुम बनाएगा गिफ्ट तेरे अंदर सारे, ये सही है। आओ भाई आओ, प्रीति कैसे चढ़ेगी पहले ये तो देखे, ये मम्मी को पूछ रही थी कैसे चढ़ेगी, पहले खुद तो चढ़ जा। ओ भाई सांस फूल गई होगी, ज्यादा उम्र में तो मैं भी बड़ी हूँ ना। हेलो हाँ भाई, नोनू टमाटर पूरी पसीनो पसीन हो गई है, प्रीति उसको पकड़, इसको पकड़ो कोई, पहले उसको तो पकड़ ले प्रीति बच्चे को। आओ जी आओ, ओए हेलो, कपड़ा ज्यादा आ गया था ये कुर्ते पजामे का, हेलो कुर्ते का जामे कपड़ा ज्यादा आ गया था, फुल पे लगवा लिया। और डैडी का इंतजार हो रहा है, डैडी कितनी देर में आ रहे हैं प्रभु, कहाँ है वो, गाड़ी से नहीं निकल रहे हैं भाई, वो वीवीआईपी है।
वीवीआईपी ने चंदन उतारेगा फोटो। तो हम आ गए हैं वाइल्ड कंट्री आर्ट। ओ चलो उतरो, करने तो दो उनको, ये बर्थडे ही तो है, पर बड़ी बात थोड़ी है। देख पक्के से मैचिंग है। हां ये जा रहा है मामा जी को लेने। चलो अंदर केक कटांगे तो लांगे ना। हाँ कौन सा बर्थडे इनका? 73 कंप्लीट उम्र हो गई फिर तो। तो भाई मस्त पार्टी की तैयारी। ये अपना टेबल और सब आने वाले हैं। आई लव वाइल्ड। ओ भाई हैप्पी बर्थडे का पहला तोहफा आ गया। हैप्पी बर्थडे जी, हैप्पी बर्थडे। ये देख रहे हो अपने कुर्ते पजामे के साथ मैच करके लाए हैं। थी ऊपर उल्लू बैठा है, चमगादड़ है, तेरे को पकड़ेगा। कभी तो मेरे को कुछ कुछ कर दिया। कहाँ है मुझे नजर नहीं आ रहा। ओ ब्लैक कलर का भाई, वो देखो वाला, ये रहा ओ भाई। प्रीति ये मुर्गा ले जाएगा तेरे से छीन के। अरे मेरे को पानी पड़ जा रहा है, मेरे को बारिश तो आनी है। बारिश मेरे मेरे ऊपर भी गिरा है। ले जाएगा ये, तेरे को पकड़ के ले जाएगा मुर्गा तू। ये अरे ये मुर्गा खा रही होगी, इसके हाथ से खींच के ले। नहीं फिर ये कुछ कर रहा है, ऊपर से पत्तों में से पानी गिरता है। तेरे ऊपर एक आइडिया दूं, तेरे ऊपर छतरी लगवा दूं। ये रही छतरी। एक क्या कह रही है, चमगादड़ ही तो है, बराबर गई दे तेरा। अंकित कुछ कहता है तुझे? आप अंदर करो ना, अंदर बैठे अंदर बैठे क्यों यार? ये देखना बैठा भी मेरे ऊपर ही है, वो देख गिर भी रहा है। तो तू कुर्सी बदल ले। पागल है क्या? देख चमगादड़ को देख के डर गई, भाग रही है। कहाँ भाग रही है भाई? भैया अगर खाना आएगा कुछ कहेगा तो नहीं। पाला हुआ है इन्होंने ये। मैं बताता हूँ क्या होता है, ये जो एरिया है ना, यहाँ पे जितने बंदर हैं, जितने चमगादड़, सब नेता होते थे किसी टाइम पे, वो ये एरिया नहीं छोड़ते हैं। चमगादड़ प्रीति जी भैया को बोल रही है खाना आएगा तो ये चमगादड़ कुछ कहेगा। 11 आइसक्रीम खाई थी ना? 11 बिट्टू बिट्टा बेटा तेरा नाम ही 11 डाल दिया है। 11 आइसक्रीम खा गई थी गुरुद्वारे में उस दिन यार। दो मिनट बाद आइसक्रीम वीडियो पे रिकॉर्ड है अभी तो। यार बच्चे खाए, दूसरा फ्लेवर आ जाए मम्मा, फिर दूसरा आ जाए मम्मा, करते करते 11 खा गई। सिर्फ 3 खाई। 11 मीनू भाभी ने भी बोला था उस दिन तो। इसको अब ये टेंशन में रहेगी, इसको चमगादड़ देख, और चमगादड़ देखी जा रही है, टेंशन करी जा रही है। पॉटी कर रहा है। अबे कुछ नहीं है, वो पत्तों में से पानी आ रहा है। मामा भी पहुंच गया। सही रही ना ये वाला रास्ता आपको आने का, इससे जल्दी कोई नहीं आ सकता गुड़गांव से। फुल ऑन पार्टी। ताऊ जी भी आ गए, बिट्टू पापा भी। वेलकम। टाइम सिर्फ पहुंच गए? बिफोर टाइम। क्या बात। तो आओ भाई आ जाओ। हाँ जी पालिकू जी पहुंच गए, आओ। वो रे वो ऊपर पहले ही आ गए। हाँ मैं पकड़ता हूँ ना। हाँ बिठा ले अश्नीत, आ जाओ ध्यान नाल। थोड़ी उच्ची है, चढ़ जाओगे? मैं फड़ा आ जाओ बस। चलो ध्यान नाल। हाँ जी वाह क्या बात, कितने दिन बाद मिले? अभी मिले। आओ जी
पहुंच गए ना टाइम से? हाँ बिल्कुल, टकाटक। हेलो, हाउ आर यू सर? मिन्नी मिन्नी कोई फुल ऑन पार्टी, मजा आ रहा है। और केक भी आ चुका है, केक कहाँ गया? फ्रिज में। हाँ भाई, तेरे को मजा आ रहा है? मजा, उसने पूरी कोक को अपने ऊपर से पलट ली। अंकित की बेटी है ना, गर्मी लग रही होगी। खालसी ये कौन है? अच्छा प्रभु है। अच्छा प्रभु। हेलो हेलो, हम पार्टी कर रहे हैं। और अगम यहाँ पार्टी हो रही है। और सोनू चला रहा है कनाडा में गाड़ी। देखो ये देखो, इनको कोई काम नहीं है, यहाँ खड़ी हो गई है फोटो खिंचाने के लिए। गिर गई थी अभी यहाँ पे खड्डे पे, तभी तो खड्डा हुआ है। ओ भाई, खड्डा हुआ है, मेरे को बुलाया उसने। ये करंट भी मारता है। रोटी हो चुकी और अब है केक का टाइम। और अब बनाएगा कल सुबह मोनू चाय। चाय चाय बनाएगा प्रीति के लिए। प्रीति खुश हो गई। आनी चाहिए रिकॉर्डिंग। बिल्कुल आएगी। मैं ये पापा को चाय बनानी नहीं आती। ये ऐसी चीजें कट ही नहीं होता कुछ यहाँ पे। रॉ वीडियो आते हम सिखा देंगे। सुबह 5 बजे वीडियो कॉल कराइयो, मैं सिखाऊंगा चाय कैसे बनाना। हाँ क्यों, कल बनाऊंगा तेरे लिए चाय। ऐश कर जिंदगी। नहीं, रात को तो सोने का टाइम होता है। कैटल में पानी गर्म करके दूध पत्ती डाल के डाल दो। और क्या है, चाय दो। चाय होती है कड़ी, अभी काट रहा हूँ। जा रहा है भाई प्रीति को देने। लिपस्टिक लग रही है भाई। ये ले, पर्स खोल, पर्स खोल, जल्दी खोल ना। सोप लेके आया, डाल अंदर जल्दी कर। वो डाल भी नहीं देखियो। तो भाई केक आ गया है डैडी के हैप्पी बर्थडे का। इधर से काटना डैडी, उधर से खड़े होंगे। उधर ही खड़ा हो बस। तू आजा। किट्टू का मैसेज आया इस पे, कह रहा पार्टी लग से चल रही है। ओ भाई चलो, आ जाओ यहाँ, जाओ सारे इधर आ जाओ। अशु फोटो ले लियो। चलो, ओ छोटा गम भी केक काट रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू। सबको काट दे प्रीति, चलो सर्विस पे लोगो काट के सबको दे। क्या कर रही थी? बुला रही है पाली पूजी, आई है मिलने। ओए सगन सुगन कोई गल नहीं, छोड़ो। मिन्नी कह रही ले लो। ओ मामा कह रहा 100 रुपए ले लो। मामा बड़ा चालू है, 100 तक तो ले लो। मैं कहा 100 को ले लो। अच्छा 100 को ले लो, क्या 100 रुपए कह रहे हो बेटा? ये पाइन एप्पल बिट्टा पे ने मंगाया है, इनको शुगर है, फिर पाइन एप्पल केक खा रहे हैं। देखो भर के भाई मजा आ गया। गेट टुगेदर हुई, मजा आ गया। पर है ना, क्या बोलती है, मजा आया ना। ओके भाई बाय बाय, थैंक यू फॉर द पार्टी। मजेदार पार्टी थी, बहुत मजा आया। थैंक यू पार्टी, मजा आया, एंजॉय हो गया। तो बहुत दिनों के बाद फैमिली के साथ डिनर हुआ ना, बहुत मजा आया और फुल ऑन फन। और वो भी ट्यूसडे को। हाँ ट्यूसडे को, ट्यूसडे को, ट्यूसडे को चिकन पार्टी, चिकन पार्टी। और कुछ लोग नहीं खा रहे थे, हमने आज उनको भी खिला दिया। वो देखो पीछे क्या फन हो रहा है। वो कहते ना गाना, कब के पिछड़े मिले हैं हम आज। जी बाय बाय, सबको बाय बाय। Okay, bye.
पार्टी कर ली और अब हम यहाँ से वापस घर जा रहे हैं और रात के बज चुके हैं 11:45 और खूब मजा आया आज बड़े दिन के बाद। अब बाकी घर चलते हैं और घर चल के एंजॉय करते हैं फिर से, मतलब एंजॉयमेंट का एंड नहीं होना चाहिए। तो होम स्वीट होम, हम आ गए हैं घर, गाड़ी खड़ी कर दी और डैडी अभी तक नहीं पहुंचे और आज इसके लिए भी पार्टी से खाना पैक होके आया है। अभी इसको भी मिलेगा, अभी मिलेगा बेटे तुझे भी खाना, डैडी की सरप्राइज पार्टी। होप करते हैं आप सबने एंजॉय करी होगी और लाइक भी करी होगी। ये है जल्दी वाली पार्टी, जल्दी वाली जो पार्टी होती है ना हमेशा ऑसम होती है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और ढक्कन बंद करो। और अच्छा है आप लोगों को ये वीडियो ना बहुत अच्छी लगी होगी उम्मीद करते हैं। अगर अच्छी लगी है तो बस क्या करना है पता है ना, बेल आइकन दबा देना दबा के।